जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सिक्किम की राजधानी गंगटोक के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमको गंगटोक को कैसे एक्सप्लोर करना है। अगर आप हनीमून ट्रिप बना रहे हैं तो गंगटोक को कैसे एक्सप्लोर करें जिससे आपको जाने के लिए काफी सहूलियत मिले और साथ ही साथ हम कम कॉस्ट में पूरे गंगटोक को हम घूम ले। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तार पूर्वक समझते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि हमको गंगटोक कैसे पहुंचना है, गंगटोक में हमको कहां रुकना है, गंगटोक में खाने पीने की क्या व्यवस्था है और गंगटोक में हमारा सबसे उचित और अच्छा समय कौन सा रहेगा विजिट करने के लिए। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि गंगटोक में हम कितने दिन का स्टे बनाएं और हमारा कुल खर्चा कितना आ जाएगा, ताकि आप गंगटोक का एक कंफर्टेबल जर्नी कर पाए। सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों कि हमको गंगटोक कैसे पहुंचना है। दोस्तों गंगटोक पहुंचने के आपके दो माध्यम है। पहले माध्यम की अगर मैं बात करूं वो है बाई ट्रेन। दोस्तों अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपका जो नियरेस्ट स्टेशन है वो है न्यू जलपाईगुड़ी। दोस्तों न्यू जलपाईगुड़ी से हम गंगटोक जाएंगे और न्यू जलपाईगुड़ी से गंगटोक की जो दूरी है वो आपकी 120 किलोमीटर की है। और दोस्तों ये जो 120 किलोमीटर की दूरी है ये आप तीन ऑप्शन से तय कर सकते हो। पहला ऑप्शन तो है दोस्तों आपका वहां पे टैक्सी। दोस्तों आप पूरी टैक्सी बुक कर सकते हैं और आप गंगटोक पहुंच सकते हैं। 120 किलोमीटर का दूरी आप लगभग 5 से 6 घंटे में तय कर लेंगे और जो टैक्सी वाला जो कॉस्ट लेगा पूरी टैक्सी को बुक करने का वो आपका 3500 से 4000 रुपए आपका रहेगा। तो अगर आप टैक्सी बुक करना चाहते हैं तो आप टैक्सी बुक करके गंगटोक पहुंच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वहां पे आपके पास शेयरिंग टैक्सी, यानी कि आप शेयरिंग में भी जा सकते हैं जो कि 350 रुपए पर पर्सन लेता है और आपको वो गंगटोक पहुंचा देगा। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आपके पास बस का। दोस्तों रेलवे स्टेशन से यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी से 3 किलोमीटर की दूरी पे बना हुआ है सिलीगुड़ी का बस स्टैंड। दोस्तों वहां सिलीगुड़ी के बस स्टैंड जाइए, वहां पे आप गंगटोक जाने वाली बस में बैठिए। बस वाला आपका 90 रुपए पर पर्सन चार्ज लेगा और वो आपको 5 से 6 घंटे में गंगटोक पहुंचा देगा, यानी कि 120 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए आपको 5 से 6 घंटा लग जाएगा। पहला माध्यम तो था दोस्तों आपका बाई ट्रेन का। दूसरा माध्यम है दोस्तों वो है आपका फ्लाइट का, यानी कि अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपका जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है दोस्तों वो है आपका बागडोगरा। दोस्तों बागडोगरा से जो गंगटोक की दूरी है वो 125 किलोमीटर की है, यानी कि लगभग लगभग आपका इक्वल पड़ जाता है। चाहे आप ट्रेन से आइए चाहे आप फ्लाइट से आइए, आपको दोनों की दूरी 120 से 125 किलोमीटर के आसपास पड़ जाती है। तो दोस्तों बागडोगरा से जो गंगटोक की जो दूरी है 125 किलोमीटर ये आपको तय करनी पड़ेगी दो ऑप्शन के द्वारा, यानी कि या तो आप शेयरिंग टैक्सी ले सकते हैं। शेयरिंग टैक्सी में आपको 400 रुपीज देना पड़ेगा पर पर्सन का और आपको वो गंगटोक पहुंचा देगा। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वहां पे पूरी टैक्सी आप बुक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप पूरी टैक्सी बुक करते हैं तो वो आपको 4000 के आसपास आपको लग जाएगा और आप गंगटोक जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कि हम गंगटोक कैसे पहुंचे। अब हम गंगटोक पहुंच चुके हैं और हमारा सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि हम अब गंगटोक में रुके कहां। दोस्तों गंगटोक में ही हमारा है सबसे मेन प्लेस यानी कि एमजी रोड, जिसको एमजी मार्ग भी कहा जाता है। चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि सबसे पहले हमको होटल वहां कहां मिलेगा। दोस्तों एमजी रोड में आपके ढेर सारे होटल बने हुए हैं जो कि आपका 800 रुपए से लेके आपका 5000-6000 रुपए तक का आपको कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका बजट एक कॉम्प्रिहेंसिव है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप 1000 से 1500 वाले होटल में रुक जाइए, जो कि एक मॉडरेट रेट भी है और आपको वहां की फैसिलिटी भी ठीक ठाक मिल जाएगी। अगर आप कपल्स हैं तो भी आपको इसी रेंज में ढेर सारे होटल देखने को मिल जाएंगे और ये रेट जो है ये आपका नॉमिनल रेट है। तो आप एमजी रोड के आसपास किसी भी होटल में रुक सकते हैं। दोस्तों कौन से होटल में रुकना चाहिए, कौन सा बेस्ट होटल है, इसकी यहाँ पे मैं डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट विजिट करके कोई भी क्वेरी होगी तो आप वहां मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों दूसरी बात कर लेते हैं कि हमको गंगटोक में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों गंगटोक में खाने पीने के वहां पे भी आपके बहुत सारे ऑप्शन है, यानी कि अगर आप नॉर्थ इंडियन फूड चाहते हैं, साउथ इंडियन फूड चाहते हैं, अगर आप वेज नॉन वेज जो भी आपको चाहिए, गंगटोक में हर प्रकार के आपको फूड अवेलेबल है। तो आप गंगटोक में लंच डिनर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं कॉस्ट की बात करूं दोस्तों, तो अगर आप थाली सिस्टम लेते हैं तो आपको 120 से 150-200 तक आपको थाली देखने को मिल जाएगी। तो आप खाने पीने की व्यवस्था इस प्रकार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि हमको गंगटोक जाने के लिए सबसे बेस्ट समय कौन सा रहेगा, जिससे हमारा बजट भी कम हो और हमको ज्यादा भीड़ भी ना मिले। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा जो भीड़ होती है गंगटोक में वो होती है समर में, क्योंकि समर में वेकेशंस लगते हैं और काफी पैमाने पे, तो वहां पे सारी चीजों के रेट हाई हो जाते हैं। चाहे आप टैक्सी लीजिए, चाहे आप होटल लीजिए, चाहे आप खाने पीने की बात कीजिए, हर प्रकार की आपको रेट ज्यादा मिलेगी। तो जो बेस्ट समय है दोस्तों वो है आपका सितंबर से लेके फरवरी तक, यानी कि ये जो टाइम पीरियड है इस टाइम पीरियड में आप जाइए, आपका रेट भी नॉमिनल मिलेगा और साथ ही साथ आप भीड़ भाड़ भी आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी और आप वहां के रोड में जाम से भी बच पाएंगे। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको गंगटोक में कहां कहां घूमना चाहिए और कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों गंगटोक में सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपको 6 दिन लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप पूरे गंगटोक को कवर करना चाहते हैं तो आपको वहां पे 6 दिन लग जाएंगे घूमने के लिए और आपको एक से एक दृश्य देखने को मिलेगा जो कि काफी लाजवाब रहेगा। दोस्तों यहां पे आपको घूमना 5 दिन है, लेकिन जो 6वां दिन रहेगा दोस्तों वहां से हम रिटर्न लेंगे, इसलिए 1 दिन मैंने यहां पे भी ऐड
किया हुआ है। एक एक करके बात करते हैं कि हमको यहाँ पे पहले दिन से लेके छठवें दिन तक कहाँ कहाँ घूमना है, और साथ ही साथ ये भी बताते चलूंगा कि कौन सी स्थान को आपको पहले कवर करना है और कौन से स्थान को आपको बाद में कवर करना, ताकि आपका जो रूट रहे वो रूट भी आपका एक सीक्वेंस के आधार पर रहे। अदरवाइज अगर आप कोई ऐसा रूट चुन लेते हैं तो आपको उल्टा सीधा रूट के कारण आपका टाइम वेस्ट भी ज्यादा होगा और आपके कॉस्ट भी ज्यादा होंगे। तो मैं रूट भी साथ साथ में बताता चलूंगा। पहला दिन की बात करूं यानी कि डे वन की अगर मैं बात करूं तो आपको घूमना है गंगटोक का लोकल साइट सीइंग, यानी कि गंगटोक के आसपास आपको ढेर सारे प्लेसेस मिलेंगे, उन प्लेसेस में आप विजिट करिए। कौन कौन से प्लेसेस हैं और हमको किस तरीके से जाना है, दोस्तों वहां पे ही गंगटोक में यानी कि एमजी मार्ग में जहां आप रुके हुए हैं वहां पे आपको ढेर सारे टैक्सी वाले मिलेंगे और ढेर सारे एजेंट मिलेंगे। वहां पे आप जाइए और उन लोग 2000 से 2500 रुपए आपका कॉस्ट लेंगे पूरी टैक्सी बुक करने का। आप टैक्सी बुक कर लीजिए और आपको वो सात प्लेस में घुमा के वापस आपको एमजी मार्ग में छोड़ देंगे। दोस्तों डे वन में आपका गंगटोक का लोकल साइट सीइंग हो जाएगा। कौन कौन से सात प्लेस है दोस्तों, तो उसका मैं नाम बता देता हूं। तो वो है दोस्तों आपका बनझाकरी वाटरफॉल। दोस्तों बनझाकरी वाटरफॉल जाइए, वहां का दृश्य काफी अच्छा है। आप गंगटोक आए हैं तो आप फोटोशूट डेफिनेटली करिएगा, क्योंकि हर स्थान में आपको एक अद्भुत और एक शानदार नजारा देखने को मिलेगा। तो फोटोशूट आप जरूर करिएगा, फोटोग्राफी करिएगा, ताकि गंगटोक की मेमोरी आपके साथ हमेशा बनी रहे। दूसरे प्लेस की बात करते हैं दोस्तों, वो है आपका सेवन सिस्टर वाटरफॉल। दोस्तों यहाँ पे सेवन सिस्टर इसलिए कहा गया कि यहाँ पे जो वाटरफॉल है वो सात धाराओं में बहती है, इसलिए यहाँ पे सेवन सिस्टर वाटरफॉल कहा गया है। अगर आप मॉनसून के समय पे आते हैं दोस्तों तो आपका इस वाटरफॉल का फ्लो काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, जो कि एक शानदार नजारा आपको यहाँ मिलेगा। तो सेकंड प्लेस आपका ये रहा। तीसरे स्थान की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो है आपका रोमटेक मॉनेस्ट्री। दोस्तों यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, जो कि आपको यहाँ का नजारा और यहाँ का पीसफुल लगेगा और काफी आपको अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा, तो आप रोमटेक मॉनेस्ट्री में भी विजिट करिए। चौथे स्थान की बात करते हैं दोस्तों, वो है आपका गणेश टोक। दोस्तों यहाँ पे गणेश जी का मंदिर है, तो यहाँ भी जाके भी आप कुछ समय दीजिए, दर्शन कीजिए और अगले स्थान के बढ़ते हैं, यानी कि पांचवा स्थान है दोस्तों आपका तोशी व्यू पॉइंट। दोस्तों यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है यानी कि जो कि आपको कंचनजंगा माउंटेन का नजारा देखने को मिलेगा, तो आप तोशी व्यू पॉइंट भी घूमेंगे। छठवां स्थान है दोस्तों आपका हनुमान टोक। हनुमान टोक में दोस्तों आपको हनुमान जी की मंदिर मिलेगी, यहाँ से भी आपको कंचनजंगा का नजारा और वहाँ पे गंगटोक शहर का नजारा काफी शानदार देखने को मिलेगा। तो आप हनुमान टोक जाके हनुमान जी के दर्शन करिए, गंगटोक शहर का आप नजारा वहां से देख सकते हैं। सातवें स्थान की बात करते हैं दोस्तों, वो है आपका रोप वे के द्वारा हमको गंगटोक शहर घूमना। दोस्तों वहां पे रोप वे चलती है और रोप वे से आप गंगटोक शहर का लुफ्त उठा सकते हैं, काफी बेहद नजारा देखने को मिलेगा। वहां की ब्यूटी, उस शहर की क्लीनिनेस आपको रोप वे से जब आप सैर करेंगे तो आपको काफी शानदार लगेगा, तो आप रोप वे जरूर जाइएगा। यहाँ पे अगर मैं कॉस्ट की बात करूं दोस्तों, तो 110 रुपए पर पर्सन लिया जाता है, तो आप रोप वे से वहां की व्यू का भी आप आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा डे वन का पूरा प्लान। अब बात करते हैं कि हमको डे टू से लेके डे सिक्स तक हमको अब क्या क्या करनी है। दोस्तों ये सब बताने से पहले मैं आपको एक मैप पे ले जाना चाहूंगा, ताकि आपको गंगटोक का एक मैप क्लियर हो जाए कि हमको गंगटोक से किस किस मार्ग पे क्या क्या चीजें हमको घूमनी है, ताकि आप अपने रूट का परफेक्ट प्लानिंग कर सके। दोस्तों ये आपका गंगटोक, जो कि अभी हमने गंगटोक में बताया कि सात जगहों में आपको घूमना है, इन सारे जगह में हमने डे वन पे घूम लिया। दूसरे दिन दोस्तों हमको जाना है नाथुला पास, जो कि आपका गंगटोक से 60 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। दोस्तों नाथुला पास में आपको काफी शानदार नजारा देखने को मिलेगा, इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, तो आप नाथुला पास में जाके फोटोग्राफी कराइए, वहां का सीन देखिए, वहां के व्यू पॉइंट्स देखिए और आप कुछ समय वहां व्यतीत करिए। दोस्तों नाथुला पास से ही 8 किलोमीटर की दूरी पे बना है एक बाबा हरभजन सिंह का मंदिर, दोस्तों आप वहां भी जाइए और बाबा हरभजन सिंह के भी दर्शन कीजिए। दोस्तों अगर आप नाथुला पास जाते हैं तो वहां से 20 किलोमीटर पहले आपका एक पड़ता है चंगू लेक। दोस्तों चंगू लेक यहां पे काफी अच्छा नजारा रहता है, यहां पे ग्लेशियर का यहां पे लेक है और यहां पे याक राइडिंग भी की जाती है, तो अगर आप याक राइडिंग करना चाहते हैं तो आप चंगू लेक में याक राइडिंग कर सकते हैं। चंगू लेक को ही दोस्तों हम सोमगो लेक भी कहते हैं और इसके 20 किलोमीटर बाद आपका पड़ता है नाथुला पास। दोस्तों ये नाथुला पास जाने के लिए आपको एक परमिट निकलवानी पड़ती है, आप जिस भी टैक्सी से जाते हैं, तो परमिट आपको नहीं निकलवानी दोस्तों, आप जो भी टैक्सी करेंगे टैक्सी वाला आपका जो भी फेयर बताएगा, यानी कि 3000 से 4000 रुपए में गाड़ी जाती है नाथुला पास के लिए, तो उसी फेयर में वो आपका पास का भी टिकट ऐड कर देता है। तो दोस्तों डे टू में आपको घूमना है चंगू लेक और नाथुला पास और बाबा हरभजन सिंह का मंदिर का दर्शन करना है। ये था आपका दूसरे दिन का। और तीसरे दिन हम बढ़ते हैं लाचुंग की तरफ। वापस मैप में आते हैं दोस्तों, यहाँ पे है आपका गंगटोक और यहाँ पे है आपका लाचुंग। दोस्तों लाचुंग और गंगटोक की जो दूरी है वो आपकी 120 किलोमीटर की पड़ती है, और दोस्तों ये गंगटोक से लेके लाचुंग का जो समय लगेगा ये आपका 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये आया होगा कि 120 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए हमको इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है। इसका कारण ये दोस्तों कि गंगटोक से लाचुंग जब जाएंगे तो आपको ढेर सारे वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, ढेर सारे आपको वहाँ पे ब्यूटीज, ढेर सारे वहाँ पे ब्रिचेस, ढेर सारे आपको वहाँ पे साइट सीइंग देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप सारे जगहों को एक्सप्लोर करते हुए लाचुंग पहुंचिए। तो तीसरा दिन दोस्तों आपको लाचुंग पहुंचने में ही लग जाएगा, क्योंकि आप ऑन द वे रहेंगे और आप जगह जगह प्लेसेस आप घूमते जाएंगे, आपको काफी वाटरफॉल का नजारा देखने को मिलेगा, आप सिक्किम के ट्रेडिशनल फूड का स्वाद ले सकते हैं, वहां के
कल्चर को देख सकते हैं और सारी ब्यूटीज को देखते हुए हम लाचुंग पहुंचेंगे। इसलिए हमारा तीसरा दिन जो रहेगा वो लाचुंग पहुंचने में ही खपत हो जाएगा। दोस्तों गंगटोक और लाचुंग के बीच में एक पड़ता है हमारा चुंगथान। दोस्तों गंगटोक से जो चुंगथान की दूरी है वो 100 किलोमीटर की है। दोस्तों चुंगथान में भी आप थोड़ा सा स्टे करिएगा क्योंकि यहाँ पे डैम बना हुआ है और यहाँ का जो नजारा है वो बेहद खूबसूरत है। तो आप चुंगथान में रुक के डैम का भी सीन देख सकते हैं और कुछ समय यहाँ भी व्यतीत कर सकते हैं। तो दोस्तों हम चुंगथान होते हुए लाचुंग पहुंचेंगे और लाचुंग में अपना स्टे बनाएंगे। दोस्तों ये चुंगथान का नाम अपने माइंड में रखिए। अभी मैं आगे और बताता हूँ कि चुंगथान का नाम याद रखने के लिए आपको मैंने क्यों बोला। चलिए दोस्तों हम लाचुंग पहुंच चुके हैं और लाचुंग में आपको करना है डे 3 में स्टे, यानी कि तीसरे दिन हम गंगटोक से निकलकर लाचुंग जो पहुंचे थे तब तक हमको शाम हो जाएगा और हम उस दिन स्टे करेंगे क्योंकि हम थक चुके हैं। और वहां का अगर मैं होटल की बात करूं तो वहां के भी होटल आपको 1500 से 2000 रुपए में मिल जाएंगे। खाने पीने का भी अगर कॉस्ट बात करूं तो वही कॉस्ट है जो कि गंगटोक में हमने थाली सिस्टम ली थी, वही कॉस्ट आपको यहां भी मिल जाएंगे। दोस्तों लाचुंग हमने डे 3 बिता दिया, बढ़ते हैं डे 4 की तरफ। दोस्तों डे 4 में आपको अर्ली मॉर्निंग फ्रेश होकर हमको निकलना है युमथांग की तरफ। दोस्तों युमथांग लाचुंग से 50 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है और दोस्तों युमथांग में जो फेमस है वो है वहाँ की वैली, वहाँ का नेचर, वहाँ की ब्यूटी आपको काफी ज्यादा शानदार देखने को मिलेगी। वहाँ ढेर सारे फ्लावर हैं जो कि एक बेहद नजारा रहता है, फोटोग्राफी के लिए तो बेस्ट प्लेस है युमथांग। दोस्तों आप लाचुंग से जब निकलेंगे युमथांग के लिए तो आप लाचुंग में ही स्नो सूट ले लीजिए, रेंट पे वहाँ पे मिलती है जो कि आपका 200 रुपए रहता है और उसमें आपको दिया जाता है स्नो सूट, दिया जाता है हैंड ग्लव्स, दिया जाता है और आपका बूट दिया जाता है। दोस्तों युमथांग में आप कुछ समय देने के बाद हमको गंगटोक का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्वर्ग प्राप्ति वाला फीलिंग, यानी कि काफी शानदार फीलिंग रहेगी, तो वो है आपका जीरो पॉइंट। दोस्तों युमथांग से 30 किलोमीटर और आगे आपको जाना है जीरो पॉइंट पे। जीरो पॉइंट यानी कि वहां पे स्नो का भवंडर। अगर आप जो भी एक्टिविटीज करना चाहते हैं आपको जीरो पॉइंट पे देखने को मिल जाएंगी। जीरो पॉइंट में हैवी स्नो रहती है इसलिए आपको यहाँ पे गमबूट लेने की आवश्यकता है और स्नो सूट पहनना जरूरी है। तो आप जीरो पॉइंट जाइए जो कि युमथांग से 30 किलोमीटर है। जीरो पॉइंट पे भी आप कुछ समय व्यतीत करिए, वहां पे आप एंजॉय करिए और वापस लाचुंग आ जाइए। डे 4 हमारा यही था कि हमने युमथांग घूमा और हमने जीरो पॉइंट घूमा और अब वापस हम लाचुंग आ गए और लाचुंग में हमने अगेन स्टे किया। पांचवें दिन दोस्तों हम बढ़ते हैं लाचेन होते हुए गुरु डोंगमार की तरफ। वापस मैप में लेके चलता हूं दोस्तों। हमारा था दोस्तों ये लाचुंग और हमको जाना है लाचेन। दोस्तों ये चाइना बॉर्डर पे बसा है इसलिए यहाँ के नाम भी थोड़े से चाइनीज जैसे हमको लग रहे हैं, लाचुंग, लाचेन, चुंगथान। एनीवे तो हमको जाना है लाचेन और लाचेन हमको जो जाना है दोस्तों वो हमको पहले आना पड़ेगा चुंगथान और चुंगथान से होते हुए हमको जाना पड़ेगा लाचेन। दोस्तों चुंगथान से जो लाचेन की दूरी है वो आपका 60 किलोमीटर पड़ता है। दोस्तों लाचेन में जो व्यू पॉइंट है यानी कि उसको कहा जाता है सिंगिंग व्यू पॉइंट, उस व्यू पॉइंट से आपको कंचनजंगा माउंटेन का बर्फ की ग्लेशियर से आपको कंचनजंगा पर्वत ढका हुआ मिलेगा। वहां का नजारा काफी शानदार रहता है, आपको वहां पे वाटरफॉल भी ढेर सारे देखने को मिलेंगे लाचेन में। चलिए दोस्तों लाचेन से हमको निकलना है 30 किलोमीटर और आगे यानी कि गुरुडोंगमार। दोस्तों गुरुडोंगमार हमको जो जाना है वो इसलिए जाना है कि यहाँ का जो गुरुडोंगमार लेक है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है जो कि विश्व का सबसे हाईएस्ट लेक है जिसका एल्टीट्यूड 5430 मीटर की है। तो आप गुरुडोंगमार जरूर जाइएगा। तो दोस्तों ये 5 दिन तो थे आपके सारे घूमने के और हम छठवें दिन वापस गंगटोक की तरफ रवानगी लेंगे क्योंकि हमको एक दिन तो लग ही जाएगा पूरे गंगटोक को वापस आने में, क्योंकि जो गुरुडोंगमार से जो गंगटोक की जो दूरी है वो आपकी लगभग 200 किलोमीटर पड़ जाती है। तो अल्टीमेटली आपका ट्रेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए छठवां दिन आप गंगटोक में बिताइए और फिर गंगटोक से हम वापस अपने अपने शहर के लिए रवानगी ले लेंगे। तो दोस्तों ये था पूरे गंगटोक का हमारा टूरिस्ट प्लेसेस। अब बात करते हैं कि हमारा ये साधन क्या रहेगा इन सारे जगहों को घूमने के लिए। दोस्तों आप गंगटोक से ही आप एक टैक्सी हायर कर लीजिए, एक कार हायर कर लीजिए और आप लाचुंग घूमिए, युमथांग घूमिए, जीरो पॉइंट घूमिए और वापस हम लाचेन होते हुए गुरुडोंगमार घूमकर वापस हम गंगटोक पहुंचेंगे। दोस्तों ये पैकेज आप करवा लीजिए और किसी भी ट्रैवल एजेंट से जो कि आपको काफी सहूलियत मिलेगी क्योंकि वहां पे जो भी आप ट्रैवल एजेंट से सारी चीजें बुक कराएंगे तो वहां पे आपको होटल भी दिया जाएगा, वहां का ब्रेकफास्ट, वहां का डिनर सब इंक्लूड रहता है उसमें। तो आप एक पैकेज करा लीजिए, अदरवाइज अगर आप टैक्सी चेंज कर करके करेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होगा और ज्यादा कॉस्ट भी कम नहीं होता है, इसलिए आप एक पैकेज करवा लीजिए ताकि आप टेंशन फ्री होकर घूमे। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि यहाँ पे अगर इन सारी जगहों को घूमने के लिए यानी कि 6 दिन अगर हम सिक्किम में बिताते हैं यानी कि गंगटोक में बिताते हैं तो हमारा कुल खर्चा कितना हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं पर पर्सन की बात करूँ दोस्तों वो आपका 10,000 रुपए लगभग आपका पड़ जाएगा जो कि आपका पहले दिन की यात्रा से लेकर छठवें दिन यात्रा तक का आपका ये किराया मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपके ट्रेन की टिकट और आपके फ्लाइट की टिकट को ऐड नहीं किया है, आप जिस भी शहर से आ रहे हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ सिक्किम के गंगटोक को घूमने में जितना खर्चा आएगा वो आपका 10,000 रुपए आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको गंगटोक का पूरा परफेक्ट प्लानिंग कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी कोई क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास में विजिट करके मेरे से क्वेरी पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा। और मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरीके की मैं यूजफुल वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगली यात्रा आप कौन से ट्रिप का चाहते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, विश यू अ कंफर्टेबल, सेफ एंड हैप्पी जर्नी।